50-50 दे दे जो हमने 50-50 दी थी, इसके लिए अभी तक हम रगड़े में हैं, वो लोग आते हैं। नहीं नहीं, मैं समझ गई, इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को जिनसे दरखास्तें लें ना, उन्हें कहें कि हम आपके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इस अदारे में मेरिट ह्यूमर होता है। जब आप 4 बंदे 5 बंदे पोस्ट में देंगे, उसमें से लिस्ट देने की राशि में कितने लोग बोल रहे हैं और उसके क्वालिफिकेशन क्या है, कंप्यूटर की ये इसमें जो तहसील का जो चार्ज होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके साथ जो क्लास 4 होगा, जितना स्टाफ, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, तहसीलों की दस्तावेज के पास। आपके जितने लोग इसमें आ जाएंगे, अभी हम गवर्नर साहब से मंगवा लेते हैं, आप हमारे ऑफिस से रब्ता जरूर रखिएगा। आप सेक्रेटरी साहब से तो आप तो वैसे ही वो है बहुत है, और आपसे वो मिलकर कर लेंगे, या फिर आप पेशावर हमारा रीजनल दफ्तर है उसको उनसे भी कह सकते हैं, लेकिन आप वाली साहब से कर सकते हैं। ये भी नूर आए थे ना, नूर रहमान, ये भी वहाँ के हैं, इनसे भी आप ये लेकिन ये हेड ऑफिस में बैठते हैं, नूर रहमान। बिल्कुल पक्का रास्ता है, मैंने अपना सीटरी इसका ड्यूटी लगाया कि हर दिन में एक बार यहाँ पे जाया कर। लेकिन पैसे इसमें नहीं गई या छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं वो आते हो। और जिस तरह आप कह रहे हैं हमारे लोगों ने जो है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, उसके साथ इस तरह का काम नहीं देंगे जिसका क्वालिफिकेशन नहीं, और हम कह देंगे कि इसको आप करिए, इसको कंप्यूटर नहीं आता है, और हम कहेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस किया होगा, इसके साथ आईटी का कोई जो क्वालिफिकेशन होगा, आप लोगों को जो चाहिए वो इनका होगा। वो अभी लेने गया हमारे बंदा, आपको लिस्ट के मुताबिक हम दे ताकि फिर आप अगले 3-4 दिनों में कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने करके टेस्ट जो भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़े, लेकिन उसमें से खास खास लोगों को वो सिर्फ यू तो सिर्फ लड़की आते हैं, बाहर का मैं तो लेता नहीं, बाहर का मैं कहता हूँ आप अप्लाई करें, जहाँ पे आपने अप्लाई किया मुझे बताया जो हो सकता है मैं कर दूंगा, इस तरह करता हूँ। लेकिन पीएसएफ के यूथ वाले तो बदमाश है, वो तो आपको पता है, टेबल पे फेंकते कि ये देखते ये लोग ये होना चाहिए। हमारे लड़कों ने जिस हालात में काम किए, पहले अफगान महाजरीन थे, अगर बदी थी क्योंकि इस्लामी वाले वो अलीदान के थे कि भाई हम खल्क से लड़के इधर आए, और खल्क और पीपल में कोई फर्क नहीं है, हमारी दुश्मन ऐसे हालात में लोगों ने तंजीम नहीं छोड़ा। फिर जो तालिबान का मसला बना वो भी कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और तालिबान का मसला, अभी जो हालात है इन हालात में ये सैलाब जब से आया है टारगेट के लिए कराची में बहुत हो चुकी है, इसके बाद धमाके, इसके बाद सबकत गई वाला मसला उसके बाद ही हुआ, लेकिन आप लोगों की तरफ कैसा है, मतलब थोड़ा सा सुकून हुआ या नहीं हुआ? पहले तो ये थे कि वो डांटे बांधे होते, सब उनके घर थे, किसी को भी उठा सकते थे, अपने अदालतें बनाए थे, जिस तरह अदालत में सब बेच थे ना, मैं सब बेच के प्लान हाजिर हो जाए आपके खिलाफ, काफी है बेटा